यहाँ पर रेडिएशन के कारण बहुत सारे यहाँ प्रॉब्लम हुई है, पूरे पर्यावरण को प्रदूषित किया है। यहाँ का मिट्टी, यहाँ का पानी, यहाँ का हवा, यहाँ पेड़ पौधा सब प्रदूषित हो चुका है और यहाँ जीने लायक नहीं है। माइनिंग होने के पहले वो उस समय यहाँ के लोगों को बिल्कुल इस तरह का बीमारी नहीं था, बच्चों में विकलांगता नहीं था, महिलाओं में मिसक्रेज नहीं था और लोगों को टीबी और कैंसर से पीड़ित नहीं थे। यहाँ साधारण सा बीमारी लोगों को होता था, खांसी जुकाम और ये सब जो जड़ी बूटी से ठीक होता था। आज का दिन में जो लोग बीमार हैं, डॉक्टर भी नहीं बोल पा रहा है कि कौन बीमार से पीड़ित है। कहीं ना कहीं ये यूरेनियम माइनिंग होने के बाद ही ये सारा समस्या उत्पन्न हुई। पहले हम लोग खेती बाड़ी करके यहाँ का जंगल से, यहाँ का नदी नाला से हम लोगों का जीविका चलता था। कंपनी आने के बाद भी हमारे कुछ लोगों को नौकरी मिला, लेकिन उनका भी स्वास्थ्य खराब हो गया है, उनका पूरे परिवार में के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो गया है। आधा से अधिक पैसा तो स्वास्थ्य के लिए खर्चा होता है। हमारे पूर्वजों लोगों को बताया गया था कि माइनिंग चालू होने से यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, यहाँ के लोगों का पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कोई ऐसे नहीं बन रहा है, वो बीमार और कमज़ोर बन रहे हैं। लोगों का एक्सपीरियंस होता है वो कोई रिसर्च से कम नहीं होता है। आप वो लोगों का एक्सपीरियंस को आप डिनाई नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ तो UCIL मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम्स है, वो कभी मानेगी भी नहीं, क्योंकि अगर जिस दिन मानेगी तो वो फंस जाएगी और लोगों को कंपनसेशन देना पड़ेगा। लेकिन इस तरह का डिफॉर्मिटी मेल न्यूट्रिशन के कारण नहीं होता है। कंपनी तब तक यहाँ माइनिंग करेगी जब तक यहाँ पर यूरेनियम ओर है। कंपनी चल जाने के बाद ये जो कचरा है कौन देखने वाला है इसके बाद? मतलब लोगों को कौन समझाएगा उसके बाद? मतलब यहाँ तो अभी कंपनी है फिर भी अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास। कंपनी चल जाने के बाद तो फिर टेलिंग पॉइंट वैसे का वैसे ही रहेगा, वेल कवर्ड नहीं रहेगा। ये सोल्यूशन यही है कि इस क्षेत्र से, ये इस रेडिएशन जोन से लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर पुनरावास कर देने से बहुत हद तक लोग सुरक्षित रह पाएंगे, अन्यथा लोग कोई ही अपना प्रॉब्लम से घिरे हुए रहेंगे।